दर्शकों नमस्कार, मैं रोशनी लोनारे आईबीएम टीवी 9 न्यूज के विशेष बुलेटिन में आपका फिर एक बार स्वागत करती हूँ। क्रांतिवीर शहीद भगत सिंह के जयंती के उपलक्ष्य में भीम आर्मी नागपुर जिला की ओर से मोदी सरकार के विरोध में एक अनोखा आंदोलन किया गया। भीम आर्मी पश्चिम नागपुर के अध्यक्ष बादल बागड़े ने अपने आप को जंजीर से जकड़कर एक अनोखा आंदोलन किया। बादल बागड़े ने हिलटॉप से संविधान चौक तक जंजीर से शरीर को जकड़कर पदयात्रा की। धर्मपेट, शंकर नगर, काचीपुरा चौक, लोकमत चौक, पंचशील चौक, वैरायटी चौक, जीरो माइल चौक होते हुए इस पदयात्रा का समापन संविधान चौक पर किया गया। बादल बागड़े को इस अनोखे आंदोलन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मोदी के गुलामी से हमें आज़ादी चाहिए। जातिवाद, निजीकरण, महंगाई, बेरोजगारी, किसान बिल, झूठे वादे आदि समस्या से छुटकारा चाहिए। इस विषय को लेकर 72 वर्षीय बादल बागड़े ने अपने आप को जंजीर से जकड़कर यह 20 किलोमीटर की संविधान चौक तक पदयात्रा की। भीम आर्मी नागपुर जिला के अध्यक्ष प्रफुल्ल शेंडे ने भीम आर्मी के संस्थापक भाई चंद्रशेखर आजाद का आदर्श रखते हुए रविवार 27 सितंबर को यह अनोखा आंदोलन करके केंद्र सरकार का जाहिर निषेध किया। इस आंदोलन में भीम आर्मी के नागपुर शहर अध्यक्ष मुकेश खड़तकर, नागपुर शहर उपाध्यक्ष रोहित नंदेश्वर, नागपुर जिला संगठन सचिव अमोल चिमनकर, आस्तिक बागड़े, भीम आर्मी के मीडिया प्रभारी सूरज पाटिल, नागपुर उपाध्यक्ष नरेंद्र शेंडे, दक्षिण नागपुर अध्यक्ष अंकुर दुपारे, सम्राट गजबीये, संजय फुलजले आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। मैं बादल बागड़े हूँ, भीम आर्मी पश्चिम का अध्यक्ष हूँ। अब जिस तरह से केंद्र की सरकार जुल्म ढा रही है, तो हमारे भाई सेंट्रल से आदेश हुआ कि इसके विरोध में आंदोलन किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। तो ये कार्यक्रम जो अभी काले कानून चल रहे हैं, संविधान देश में नहीं चल रहा है, मनुवादी व्यवस्था चल रही है, मनुवाद का कानून चल रहा है, और जिसके लिए हम लोग उनको आगत दे रहे हैं कि भाई आप अभी नहीं सुधरे तो कल आपको चांस नहीं मिलेगा। वैसे तो अभी गुलामी है और हम ये मनुवादियों की गुलामी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। हम अपने लोगों को तैयार करना चाहते, बताना चाहते कि रियल में देश कौन चला रहा है। तो ये भाई का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हिल टॉप से हमने चालू किया है। भगत सिंह का जन्मदिन था और भीम आर्मी के विदर्भ के अध्यक्ष प्रफुल्ल जी शेंडे इनके नेतृत्व में मैंने ये प्रोग्राम, ये मार्च तय किया है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि जो काले कानून चल रहे हैं, आप रोजगारों को बेरोजगार कर रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं, कारखाने बंद कर रहे हैं। अभी तो आपने ये भी कानून लाया कि कंपनी जब चाहे तब बगैर बोले अगर कामगार का पैसा भी रुका है तो भी आप उसको निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई सी की इजाजत सरकार के लिए नहीं की जाए। तो ये तमाम काले कानून है। आज शेतकरी देखो, शेतकरी को भाव नहीं मिल के और शेतकरी जमीन पे आ गए हैं। आज कौन है शेतकरी? कौन है? हम ही लोग है ना, हमारी भाई है ना। मजदूर कौन है? हमारी भाई है ना। कोरोना के काल में क्या हुआ? मजदूरों को जहां बोले वहां मारा गया, मजदूरों के बेहाल किए गए। तो हमारी लोग है ना, हम इनको तैयार नहीं करेंगे। उनको लाठी यानी हमको लाठी है ना, और बेवजह हम अभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम आगाह करना चाहते, आपके माध्यम से बताना चाहते कि आप जन तक ये हमारा पैगाम पहुंचाइए और हमें साथ दीजिए। जय भीम। मी प्रफुल्ल शेंडे, भीम आर्मी नागपुर जिल्हा अध्यक्ष। आज क्रांतिवीर शहीद भगत सिंह यांच्या जयंती प्रीत्यर्थ आणि मनुवादी सरकार, मोदी सरकार यांनी जे निजीकरण आणि जे मनुवादी धोरण अवलंबून यांनी जो एकाकीकरणाचा जो निर्णय घेतलेला आहे, कृषी बिल, निजीकरण, भ्रष्टाचार, याच्याबद्दल संविधानाच्या व्यतिरिक्त आणि डॉक्टर बाबासाहेबांच्या सिद्धांत व्यतिरिक्त आणि त्यांनी जे निर्माण केलेलं संविधान याला सोडून जे यांनी जे आपल्यावर जे हुकूमशाही लादण्याचा कार्यक्रम केलेला आहे, त्या अनुषंगाने आमच्या पश्चिम नागपूरचे अध्यक्ष बादलजी बागडे यांनी एक आगळावेगळा एक विरोध दर्शनाचा त्यांनी स्वतःला जंजीरमध्ये अकडून यांनी रामनगरपासून ते 18 ते 20 किलोमीटरचा परिसर आणि संविधान चौकामध्ये त्याची समाप्ती करून त्यांनी एक जनतेला एक आवाहन केलेलं आहे की आपल्याला फक्त जेवण करण्याकरता तोंड उघडलेलं आहे सरकारनी, बाकी जे लोकतंत्र जे 4 स्तंभ आहे ते जकडलेले आहे, न्यायपालिका, संसद,
मीडिया यांनी या सरकारने विकत घेतलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने भाई चंद्रशेखर आजाद हे आमचे आदर्श ठरून त्यांनी दिलेला जो क्रांतिकारी जो उपदेश आहे तो आम्ही भारतामध्ये आणि आपल्या प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रामध्ये राबवण्याचा आणि लोकांना जनजागृती करण्याचा कार्यक्रम करत आहे। आज लोकांना या आंदोलनाचा हसा येत असेल की हे काय सोंग केलं बा म्हणून जंजीर बांधून, पण त्यांना भविष्याची कल्पना नाही आहे की एक 72 वर्षाचा व्यक्ती स्वतःला जर जंजीरमध्ये जकडून या पद्धतीने या व्यवस्थेच्या विरुद्ध जर जाण्याचा प्रयत्न करतात तर सरकारने याचावर विचार करावा, नाहीतर हे आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र होईल आणि आम्ही अशाच प्रकारे आमचे धोरण अवलंबू। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, जय भीम।